ये आयु रक्षा किट जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आप लोगों को दी जा रही है, इस आयु रक्षा किट का एक उद्देश्य है। जो सबसे पहली बात है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जल्दी ठीक नहीं होती है और बार बार लोगों को होती रहती है, उसे कैसे बचा जाए और फिर दोबारा ना हो और आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे, इसी के लिए भारत सरकार ने एक आयु रक्षा किट का निर्माण किया। इस महामारी के दौरान इस किट का जो है ये विचार हुआ कि इस तरह का एक पैक दिया जाए जिससे ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो और बच सके इस तरह की समस्याओं से। तो इस किट में कुल 4 दवाइयां आई हुई हैं, जिसमें आप देखेंगे एक इस तरह बड़ा जो है आयुष स्वाथ का पैकेट है। आयुष स्वाथ में काढ़ा है जिसको आपको उबाल कर पीना है। इसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालिए, पकते पकते जब आधा रह जाए तो छान लीजिए और गुनगुना रहने पर आप पीजिए इसको सुबह और शाम दोनों टाइम। दूसरी औषधि इसमें है ये च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश आप लोगों को दिया जा रहा है। च्यवनप्राश सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छा रसायन है, ताकत देता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जो इस तरह की समस्याएं होती हैं जा बार बार सर्दी जुकाम होना, बुखार होना, नजला होना, खांसी आना और कमजोरी, इस तरह की जो समस्या होती है इससे बचाता है। तो इसको 1 चम्मच रात में गुनगुने दूध से लेना ठीक रहता है। अगर दूध नहीं है तो आप सुबह के टाइम 1 चम्मच प्रतिदिन लीजिए, ठीक है? छोटे बच्चे हो तो आधा चम्मच दे सकते हैं। दूसरी औषधि इसमें पड़ी हुई है सनसवनी बटी। सनसवनी बटी आप लोगों ने गिलोय का नाम सुना होगा, गिलोय गुरुच, गुरुच जानते हैं ना बाबा? हाँ, वही गुरुच जो है उसी से ये दवाई बनी हुई है। तो ये दवाई जो है गुरुच से गोली बना दी गई है, गुरुज का काढ़ा बना के उसको घन करके गोली बना दी गई है। तो 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम लेने से जो बुखार उखार आता है ना उसमें काफी फायदा करता है, ठीक? तो बुखार में बहुत बढ़िया दवाई है और वायरल फीवर जो होता है जिससे सर्दी जुकाम इस तरह की चीजें उसमें भी काफी लाभ करता है। ये हो गई 3 दवाई। ये चौथी दवाई जो इसमें है, ये 2 आपको जो है तेल दिया गया है, ये ड्राफ्ट है नाक में डालने के लिए। नाक ठीक जब सर्दी जुकाम होता है तो घर गांव में कहते हैं नहीं कि सरसों का तेल नाक में डालिए, तो सरसों का तेल आसानी से मिल जाता है। तो सरसों का तेल में कोई जड़ी बूटी इस तरह की चीज नहीं बनी होती, प्लेन होता है, वो भी बहुत फायदा करता है। लेकिन ये जो आयुष विभाग की तरफ से दिया जा रहा है इसका नाम है अड़ु तेल। अड़ु तेल बहुत अच्छी दवाई है, इसमें कई जड़ी बूटियां जो है मिला के इसको बनाई जाती है। तो इसको 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को नाक में डालना है, दोनों नाकों में। इससे होता क्या है, अगर नाक में डालेंगे तो इस तरह जो बलगम भरा होता है, कफ भरा होता है, वो सब, हाँ, सब बिल्कुल निकल जाता है और 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना रहता है और मुंह धो लेना रहता है। तो इस तरह करने से काफी चीजें आपकी ठीक हो जाती हैं, नजला जुकाम, बार बार सर्दी जुकाम होना, खांसी आना, गले में जो टॉन्सिल वॉन्सिल बढ़ जाते हैं उससे, और जो हेडेक होने लगता है, सिर दर्द ये सब होता है, नींद आने की दिक्कत जो होती है, उस तरह की समस्याओं में काफी आराम मिल जाता है। तो इस तरह आप इन औषधियों का समयानुसार सेवन करिए, जैसा बताया गया वैसा करेंगे तो लाभ होगा, ठीक? इसी के साथ ही आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इन औषधि का सेवन करें और स्वस्थ रहें, यही हमारा उद्देश्य है। और आयुर्वेद को ज्यादा से ज्यादा दूर तक लोगों तक पहुंचाएं और ताकि सभी लोग लाभान्वित हो, और जहां भी उनके नजदीक में जो भी चिकित्सालय हो आधार कार्ड अगर लेकर जाएंगे तो ये दवाइयां रहेंगी तो मिल जाएंगी, अभी उपलब्ध हैं और मिल भी जा रही हैं, ठीक है बाबा? ठीक चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दवाई ले जाइए और सब लोग इसको खाइए। आयुर्वेद होम्योपैथ जी कोई भी मर्ज हो उसको जड़ से निकालता बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। है आयुर्वेद जो होता है हाँ उसको गर्दन काट देता है और बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। यही विश्वास लोगों में फैलाना है, लोगों तक ये बात बतानी है कि आयुर्वेद और होम्योपैथ अच्छी दवाई है, इनका सेवन करें। समय लगता है जी बिल्कुल, लेकिन आराम जो मिलता है धीरे धीरे वो हमेशा के लिए लाभकारी होता और आयुष आयुष जो आयुष विभाग का जो गठन हुआ है इसमें 5 जो है पैथियां हैं, ए से आयुर्वेद, वाई से योगा और नेचुरोपैथी, यू से यूनानी,
यस्य सिद्धा और यक्ष होम्योपैथी, तो इसमें ये चारों पांचों पैथियां हैं जो आयुर्वेद के हैं, होम्योपैथिक है, यूनानी पद्धति भी इसी में है, नेचुरोपैथी और योगा भी इसी में है। एक सिद्धापैथी होती है जो साउथ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है, तो उसमें भी इन्हीं जड़ी बूटियों से इलाज होता है। तो इस तरह पांचों पैथियां बहुत ही अच्छी हैं और बढ़िया लाभकारी हैं, और इनमें जड़ से इलाज होता है। आपकी जानकारी बहुत अच्छी है, आपने सही बात जानते हैं जी। जी इसमें भूत प्रेत और जो तमाम तरह की जो और बीमारियां होती है जी, जिसे नजर टोना टना, हाँ जड़ी बूटी के ही असर से दूर हो जाती है। हाँ आप सही कह रहे हैं, आयुर्वेद में जो अष्टांग आयुर्वेद की बात कही है, आयुर्वेद में आठ भाग होते हैं, ठीक है, काय बाल ग्रह उध्वांग शल्य दंष्टा जरा विषय, तो इसमें एक जो है होता है भूत विज्ञान, आयुर्वेद का ही वो अंग है। भूत विज्ञान जो है आयुर्वेद का ही अंग है, उसमें इस तरह की चिकित्सा करी जाती है। दर्द प्रास्थ जो चिकित्सा होती है जड़ी बूटियों के सहयोग से और कुछ विधि विधान के सहयोग से भी बीमारियां दूर करी जाती है। तो आप सही कह रहे हैं, भूत विज्ञान आयुर्वेद का ही अंग है, अष्टांग आयुर्वेद में एक अंग है जो भूत विज्ञान का है। तो आप सही जान रहे हैं बिल्कुल। इसे सांप काट लेता है जी, अभी छू मार देता है, जड़ी लगाते हैं उसमें भी ऐसी जड़ी बूटी लगा दीजिए, जहर अपने आप शांत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आप बता रहे हैं, बिच्छी पकड़ के ले आओ डॉक्टर साहब दवाई। और यहाँ हमारे अस्पताल में बिच्छी जिनको भी बिच्छू डंक मार देता है वो लोग आते हैं, और मैं 10 मिनट तक उनको मुश्किल से बैठाए रखता हूँ, दवा लगा के उस जगह बांध देता हूँ, कहता हूँ 10 मिनट तक बैठिए। जैसे यहाँ हाथ पे बिच्छू ने डंक मार दिया, पूरा यहाँ तक चढ़ गया, 10 मिनट के बाद पूरा उतर के यहाँ आ जाता है, जो जिस जगह मारे रहता उतने दूर तक 24 घंटे बना रहता है, बाकी सब उतर जाता है, दवा लगा के ही बैठा देता हूँ और ठीक हो जाता है। लेकिन दिन में कहाँ डंक मार, बहुत लोग आते हैं बिच्छू जिसको मारता रोते हुए आता है और हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। ठीक है, दिन में तो बहुत कम मारते हैं, रात में मारते हैं। और हमने एक बार बनाया था बिच्छू में दवा, तो लोगों को दे दिया कि आप ले जाइए रखे रहिएगा, किसी को गांव में अगर बिच्छू मारता है तो आप पकड़वाए तो बना देंगे डॉक्टर साहब। और अगर आप हमें बिच्छू जैसे पकड़ के लाते हैं जिंदा दे देते हैं, तो बिच्छू से ही बिच्छू की दवाई तैयार होती है, अब बहुत अच्छा जो है दवा बहुत इफेक्टिव तैयार होती है, और बस उसको इतना करना होता है दवा को एक बूंद यहाँ पे लगा के काटर लगा के बांध देना। बिच्छू आप जो है किसी चीज में ले आकर हमको दे दीजिए, हम दवा तैयार कर देंगे और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दे देंगे। तो अपने गांव में अपने घर में सब लोग रखे रहिएगा कि बता दीजिए किसी को, अगर कोई दिक्कत होती है तो आके अपना जो लगा लिया करेगा, बहुत बढ़िया काम करती है। जैसे बीस से बीस का इलाज होता है ना, उसी तरह बिच्छू के बीस का इलाज बिच्छू से ही हो जाता है, और बहुत बढ़िया दवाई बनती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ठीक है। ओके भाई, धन्यवाद।